तुमने बाहर निकाल के डाल दिया पेशेंट है। मीडिया बुला रहे डाल लो। आप कौन हो? ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे इंडिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है। सबसे बड़ा क्राइम है गरीब रहना। जी हाँ, सबसे बड़ा क्राइम है इंडिया में गरीब रहना। अगर आप गरीब हो तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा, बेचारे मतलब डॉक्टर की नेगलिजेंस कह लो या फिर इनके पास लैक ऑफ मनी कह लो, उसी की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आई। मतलब इतना पैसा भी नहीं है कि एकदम एम्बुलेंस आ जाए। अगर इनके पास पैसा होता, सब कुछ होता, तो सब अच्छे से ट्रीट करते, मतलब लड़की की जान बच जाती। जनरली, एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहे, जनरली यही होता है। अब तुमने देखा होगा कोई भी क्राइम करता है, कोई पर्सन क्राइम करता है, जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, वो क्यों क्राइम करता है? पैसे के कारण। कोई भी मान लो किडनैपिंग होती है, क्यों होती है? जनरली बात कर रहे हैं मैं यार, देखो एक्सेप्शनली बात नहीं कर रहे। जनरली कोई किडनैप होता है किस लिए? पैसे के लिए। कोई चोरी करता है किस लिए? पैसे के लिए। कोई किसी का फ़ोन चोरी कर रहा है पैसे के लिए। कहने का मतलब क्या है? गरीबी सबसे बड़ा क्राइम है, यानी कि वही सबकी रेड की जड़ है। कोई मान लो पेट है, भूखा है, वो क्या करेगा? अगर कोई भूखा पेट है, वो होता है ना भाई, कुछ नहीं देखता, फिर वो उखाड़ लेता है या छीन लेता है, तो क्या कर रहा है? वो क्राइम कर रहा है। कहने का मतलब रूट कॉज कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो भाई गरीबी सबसे बड़ा क्राइम है, तो इंडिया में आपको गरीब नहीं रहना है। अब इसके लिए कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊँगा। तुम्हें पता है इंडिया में गरीब लोग क्यों हैं? गरीब लोग गरीब क्यों हैं? वो गरीब यूँ हैं क्योंकि ना, वो उनको ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, यानी उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। दे हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। उन्हें स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाया जाता ही नहीं है कि भाई पैसा कैसे काम करता है या फिर पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, किसी को नहीं। अभी तुम किसी रिक्शे वाले को 2 लाख रुपए दे दो, ठीक है, वो क्या करेगा? सबसे पहले खाना खाएगा, बढ़िया से कपड़े पहनेगा, फिर कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ देखेगा, मतलब वो इसमें लग जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा इस 2 लाख को 4 लाख कैसे करूं, फिर 4 लाख से 8 लाख कैसे करूं, जब अच्छा खासा पैसा हो जाएगा फिर मैं शौक करूं। नहीं, वो ये नहीं करेगा। उसको क्या है, पहले शौक मौज पूरे करने हैं, फिर उसको देखना यार बच गया, फिर वो सोचेगा क्या करूं। ऐसे ही हम सबके साथ हैं, सब ऐसे ही सोचते हैं कि भाई पैसा आ गया, मतलब मैनेजमेंट नहीं है। अभी मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूँ, तुम्हें भी मैनेजमेंट नहीं है। जनरली बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल की बात नहीं करा, जनरली तुम्हें भी मैनेजमेंट नहीं है कि भाई एकदम उड़ जाएगा वो। अपने एक लाइन भी पड़ी होगी कि भाई दुनिया का ना मतलब सारा पैसा अगर तुम सब में बांट दोगे ना, तब भी वो रुकेगा नहीं उनसे, यानी उनके पास फिर वापस आ जाएगा। जो अमीर लोग हैं उनके पास फिर वापस आ जाएगा, क्यों? उनके पास मैनेजमेंट की ट्रिक है, उनको मैनेज करना आता है, पैसा इन्वेस्ट करना आता है। लेकिन गरीब लोगों को ना इन्वेस्ट करना नहीं आता। थोड़ा सा पैसा आया कुछ खरीद लिया जाके, थोड़ा सा पैसा आया कुछ किस्तों पे ले आए, थोड़ा सा पैसा आया कुछ ना कुछ खरीद लिया, यही होता है। अब मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा। तो यार देखो, वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो मैं तुम्हें टिप्स दे सकूँ, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं उनको आप ध्यान रखो ताकि आप अपना बैलेंस बचा के रहो। तो देखो, पैसे का रूल ये है, पैसा बोलता है कि तुम मुझे बचा लो मैं तुम्हें बचा लूँगा, पहला रूल, ठीक है। तुम मुझे बचा लो मैं तुम्हें बचा लूँगा, यानी कि मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपया, ठीक है। अब तुम्हारा मन कर रहा है यार मैं कुछ खरीद लूँ, कपड़े खरीद लूँ। नहीं, कपड़े इन द सेंस लग्जरी चीज़ नहीं खरीदनी, नीड तो खरीदो लेकिन लग्जरी चीज़ नहीं खरीदनी। जब मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी कपड़े हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो मत खरीदो। तुमने वो बचा लिया, फिर पैसा तुम्हें बचा लेगा, इमरजेंसी में तुम्हें बचा लेगा, ठीक है, पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल ये है कि कभी भी वो चीज़ मत खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कभी भी वो चीज़ें मत खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, नहीं एक दिन ऐसा आ जाएगा तुम्हें वो चीज़ें भी बेचनी पड़ जाएंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। समझ लो गहराई, मतलब फालतू की इम्पल्स वो नहीं करनी, शॉपिंग नहीं करनी कि भाई मन में आया वो ले आए, ये ले आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हो गया क्लियर। और नेक्स्ट ये है कि आप ना, एक बुक आती है साइकोलॉजी ऑफ मनी करके, ऐसे करके होगी वो, तो इसको ख़रीद लो आप, और इसमें से अच्छे से मतलब इसको पढ़ो 2-4 बार, तो आपको ना मैनेजमेंट आ जाएगा, पैसा मैनेज कैसे होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा जो क्राइम है यार वो गरीब रहना है, तो कृपया गरीब ना रहें, कुछ ना कुछ अपने करते रहो, कुछ ना कुछ काम करो, पैसे को इन्वेस्ट करो, अर्न करो, इन्वेस्ट करो, पैसे को काम पे लगाओ, ठीक है। और ये किताब खरीद लेना, इससे आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, क्योंकि यार देखो गरीबों की कोई वो नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा है तो सब है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई कैसा भी नहीं है, ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकती, भाई ये सब कहने वाली बात है, पैसे से सब खुशी खरीदी जा सकती है, 99% खुशियाँ खरीदी जा सकती है, 1% है वो नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सब कुछ आता पैसे से ही है, ठीक है। जो ये वीडियो बन रही है ये पैसे से आया है, ये सूट आया ये भी पैसे से आया, ठीक है, सेट्स आया पैसे से आया, सब कुछ पैसे से ही, पैसा तो यह है। इवन तुम्हें पता है जब मरने जाते हैं ना, जैसे मान लो कोई बंदा मर गया, ठीक है, उसका अंतिम संस्कार करते हैं ना, उसमें भी पैसे लगते हैं,
पता नहीं 11,000 रुपये जन कुछ बोल लेते हैं, तो पैसे लगते हैं। जब बंदा पैदा होता है तब भी पैसे लगते हैं, हॉस्पिटल में जाता है वो, उसकी डिलीवरी होती है, दवाइयाँ आती है, सब मतलब सब है पैसा। ठीक है, तो इस मिथ्स को छोड़ दो कि भाई पैसा ये नहीं है, तो भाई बहुत कुछ है पैसा। ये मिथ तब बोलना जब तुम बहुत सारा पैसा कमा लो, करोड़ों रुपये, तब बोलना कि पैसा डजंट मैटर, पहले कमा तो लो, गधे की ना लो। तो सबसे बड़ा क्राइम टू बी रिमेन पुअर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब काम करोगे, काम से काम बी काम एंड काम से काम। ओके, तो पैसा कमाओ, चिल करो, और बस गरीब मत रहो यार, बहुत बड़ा क्राइम है, मैंने देखा है बहुत बड़ा क्राइम है। लोग बेचारे, गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी इज्जत नहीं है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।